खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे अपना पूछना, दर्द शायरी में तुझको चाहिए सबूत क्या, शिकर ये सोच पे जुड़ा हूँ मैं जमीन से, यकीन तुमको ना पर आ गया मैं या यकीन से, लाख नफरतें सात माँ का प्यार है, हंसी है उसकी जीत में तो कैसे जाऊँ हार में, कल आकार में कल को आकार दूँ यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना, माँ है रब मेरी गली ये मेरी माशुका, लड़का एड़ा मैं झुकाने पर भी ना झुका, सुन रहे हैं मुझको बेशुमार प्यार उनसे, नाता में गीत भर मैं खुद बना हूँ तुमसे, गौर कर लो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो, नैनों को मैं नम करूँ सुकून में देता कान को, चिल्लाओ जोर से उठाओ अपने हाथ तुम, असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को हाँ जी हिंदुस्तान को, असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को, क्या बहुत हार्ड चीरे लाए भाई चीरे लाए। रणवीर सिंह भाई बहुत हार्ड एक्टिंग है, बहुत हार्ड एक्टिंग है, मतलब एक बार जो कैरेक्टर उठा लिया, कैरेक्टर एक बार उठा लिया उसमें जाना ही बन जाता है। बहुत मजा। पांच में से कितना स्टार दे? पांच में से तो मैं भाई पांच स्टार दूंगा भाई, क्या बोलो मैं, बहुत हार्ड, इसके लिए यही बनता है बहुत हार्ड। पर्दे से निकल के दिल में उतरती है, कभी आंखों से बहती है कभी होठों पे सजती है, जोया अख्तर से लेके एक छोटा सीन इतना दिल में बस जाता है ना कि ऐसी फिल्म बनना बहुत मुश्किल है। ये बॉलीवुड के इतिहास में अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है ऐसी बेहतरीन फिल्मों में से एक जो हमेशा याद रहेगी। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जब भी मौका मिलता है मैं देखता हूँ, ये उसी श्रेणी की उसी कड़ी की फिल्म है। रोंगटे खड़े होते हैं, कभी गूज़बम्प्स आते हैं, कभी आँखों से आंसू आते हैं, कभी होठों पर मुस्कान आती है। बहुत कमाल, इतना मैंने हर एक सीन को हर एक लम्हे को इसमें जितना महसूस किया है ना, उतना मज़ा एक पिछले कुछ सालों में मुझे फिल्म देख के नहीं आया। ये फिल्म मतलब बहुत हार्ड है भाई, एक नंबर बच्ची। रणवीर सिंह मुझे सेकंड हाफ में ज़्यादा बेहतर लगे हैं। इस फिल्म का जो हीरो है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, वो ना तो रणवीर है ना तो आलिया है ना ही कोई किरदार है। इस फिल्म का जो मुख्य हीरो है वो है जोया। एक एक सीन है जिसे उन्होंने जिस तरह से पेश किया है तो वो बहुत बखूबी हम उसको महसूस कर सकते हैं कि यार हाँ ये मेरे आसपास है। और जो रैप को थोड़ा लोग जो समझते हैं कि ये हमारी परंपरा नहीं है, अभी अंकल कुछ बोल रहे थे वो, या फिर ये एक मतलब उसे उतनी इज्जत नहीं मिलती है, तो इस फिल्म को देखने के बाद रैप के लिए दर्जा बढ़ेगा। रैप यानी कि क्रांति का एक ज़रिया है, वो भी ऐसा लगता है दिल में आपके जो समंदर है जज्बात हैं वो हम इसके ज़रिए बयां कर सकते हैं, तो ये एक ओछी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिल्म में इसे बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। और जब जितना मनोरंजन की अगर बात करें तो वो तो कूट कूट के भरा हुआ है, और पब्लिक को ऐसा लगने वाली है ना भाई, सीधा दिल को कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 250-300 करोड़ तक आराम से जाएगी भाई पब्लिक। पब्लिक इधर एकदम बहुत गर्दी करने वाली है अभी, मेरे को अभी लगता है, अभी मुंबई की इधर भाषा बोलूँ तो वो पिक्चर एकदम फाड़ू है भाई। अरे फाइनली क्या, शुरू से आखिर तक बोल रहा हूँ भाई, बहुत हार्ड है और इतनी हार्ड है ना भाई कि इधर आने के बाद पब्लिक कम से कम 2-3 दिन बार ये पिक्चर देखेगी, इतनी हार्ड है। और मैं ये बोलता हूँ कि आना चाहिए, देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, जो एक जुनून अपने अंदर होता है उसे मरने नहीं देना चाहिए, वही जुनून हमारे सपनों को पूरा करता है। जहाँ तक स्टार की बात है तो 5 में से मैं इसे 4.5 स्टार देना चाहूँगा। अपना टाइम आएगा बॉस, और रियली अपना टाइम आएगा, क्योंकि फिल्म के अंदर इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी दिखाई है कि दिल को छू जाती है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप लिटरली लास्ट में जहाँ रणवीर सिंह स्टेज पर परफॉर्म करेगा और आप लोगों के आंसू अपने आप नीचे गिर जाएंगे, इतनी बढ़िया फिल्म है। ऑफ कोर्स देखो, आलिया भट्ट के लिए मैं कहना चाहूँगा, मुझे लग रहा था कि ओवर एंड ऑल ये रणवीर की फिल्म होने वाली है, क्योंकि पूरे ट्रेलर में वही छाए हुए थे, लेकिन छोटी छोटी जो न्यूएंसेस आलिया ने रखी हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए वो शानदार है। मतलब वहाँ पर स्टेज में रणवीर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आलिया खुश हो रही क्योंकि शी इज़ साइको लवर, मतलब इतना प्यार करती है वो उससे कि वो उसको उसकी कामयाबी देखते हुए वो इतना उछल रही है, तो लिटरली मतलब बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। अरे वो चतुर्वेदी जी उनका नाम है, मिस्टर चतुर्वेदी, आई एम सॉरी आई फॉरगेट हिज नेम, तो उनका नाम चतुर्वेदी है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है एक नंबर भाई, अपना टाइम आएगा एक नंबर बच्ची, इस तरीके के जो डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं एकदम लोकल मुंबई के जो लड़के होते हैं जैसे धारावी में हम लोग देखते हैं, तो वैसी ही पूरे सिनेरियो को क्रिएट किया गया, तो लिटरली लव इट। जोया मैम बेस्ट फिल्म, ऑफकोर्स ये पूरा क्रेडिट एक्चुअली जोया मैम को ही जाता है। द थिंग इज़ कि जोया मैम की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी रिसर्च की वजह से, उनकी डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म पॉसिबल हो पाई है। अगर कोई और डायरेक्टर इसको होता, आई एम नॉट श्योर कि वो इतना बेहतर कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन जोया मैम शी नेल्ड इट, शी लिटरली नेल्ड इट मैन, अमेजिंग।
बेस्ट यार इसमें है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें, आप एक चीज़ को बेस्ट नहीं कह सकते हैं। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की भी पार्ट है, इसमें एक सपने देखने की भी पार्ट है, इसमें आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपके सपने हैं वो पार्ट है, एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, तो बहुत सारे मुद्दों को ये टैकल करती है। प्लस गर्ल्स एजुकेशन को ये टैकल करती है, जिस तरीके से सम मुस्लिम फैमिलीज दे आर रूढ़वादी, तो वो चीज़ों को भी टैकल करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मतलब एक स्टोरी, ये फुल जो थाली होती है ना खाने की, जिसमें सारे आइटम होते हैं, सेम वैसे ही है। रणवीर का टाइम तो चल रहा है बॉस, रणवीर भाई का तो टाइम है एक नंबर चल रहा है। मुझे लगता है ये जो है रामलीला से उनका गेम पलट गया है, और रामलीला के बाद से ही रणवीर सिंह, हम उनके परफॉर्मेंस में ग्रोथ देख रहे हैं, सिम्भा देखते हैं हम बाजीराव मस्तानी देखते हैं, हम खिलजी पद्मावत देखते हैं ऑफकोर्स, और अब ये गली बॉय देखते हैं। सो आई गेस रणवीर के अलावा इसको कोई शायद ही कर पाता है, मतलब ही इज़ दैट कोल। यार स्टार देना तो आई गेस मुझे लगता है कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं है, मेरे तरफ से तो 4.5 स्टार, मतलब 4.5। फुल धमाल आपको मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप जाके फिल्म देखो, बहुत हार्ड फिल्म है, और आपको एक है ना रिस्पेक्ट बढ़ेगा अपने जॉब के प्रति, अगर देखा जाए तो आपको कुछ रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से 3 Idiots ने एक रिवोल्यूशन ले आए थे सोच में, क्रांति में, कि सिर्फ पढ़ाई करनी ही हर बात नहीं होती, आपको जो टैलेंट है उसमें भी आप आगे बढ़ो, तो ये फिल्म भी उसी को ही फोकस करती है कहीं ना कहीं, और जिसका एग्जांपल है जो अपना मुराद है वो गली बॉय बन जाता है। क्या बोलती पब्लिक? बहुत हार्ड, मजा आ गया भाई। देखे गली बॉय कैसी लगी? देखा भाई, देखा, बहुत हार्ड, मजा आ गया। मतलब रणवीर सिंह कैसे थे? रणवीर सिंह का एक्टिंग बहुत अच्छा है, और मतलब आलिया भट्ट का भी एक्टिंग अच्छा है, ऑल ओवर पूरा स्टार कास्ट का एक्टिंग बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो टी शर्ट के बारे में बताओ। हाँ, ये टी शर्ट जिस दिन लॉन्च हो गया उसी दिन हमने मंगा लिया सीधा ऑन द स्पॉट। हाँ, रणवीर के लिए और अपना गली बॉय, गली बॉय मतलब अपना, मैं बहुत अंडरग्राउंड, ऊपर कर सकते हैं अंदर इधर टैट, मतलब अंदर इसका मत सुनो, मतलब बहुत अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बहुत सुनता हूँ मैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मूवी बहुत रिलेटेड है, मतलब मैं बहुत सुनता हूँ मूवी, मतलब ऐसे सब गाने, अंडरग्राउंड रैपिंग, मतलब रैपर लोग बहुत मचा दिए, बहुत अच्छा है रैपर लोग का। आलिया भट्ट का एक्टिंग बहुत अच्छा है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही है। हाँ हाँ, मतलब ऐसी रहे नहीं, मतलब ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, पर अच्छा है एक्टिंग। हाँ, बहुत अच्छा, दोपटेगी दोपटेगी भाई, सबको दोपटेगी। सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जिनको मतलब प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिला है मूवी के थ्रू। बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मतलब धारावी के, या तो नया नया आर्टिस्ट है, काम बारी है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत सारे रैपर को अच्छा, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, अपना टाइम आएगा भाई, अपना टाइम आएगा। गली बॉय बहुत बढ़िया फिल्म है, इंस्पायर्ड राइटिंग है, इंस्पायर्ड परफॉर्मेंसेज हैं, और बहुत ही कॉम्पिटेंटली योग्य तरीके से बनाया गया है इसको। फोटोग्राफी बहुत बढ़िया है, टेक्निकली हर मामले में बढ़िया फिल्म है। रणवीर सिंह इज़ एक्सेलेंट, उनको तो मिलना चाहिए, हमारे ख्याल से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, और जो डेब्यू परफॉर्मेंस किसी एक और एक्टर का है, हाँ उनका भी हमारे ख्याल से एक अच्छा डेब्यूटेंट का रोल किया है उन्होंने, इन्होंने गाया हुआ है बहुत बढ़िया। किसने गाया वैसे? रणवीर ने खुद ही गाना गाया है क्या? रणवीर ने खुद ही गाया। हाँ, तो वो सब कुछ जो है मतलब कि बहुत बढ़िया है उस हिसाब से देखा जाए तो, और सिनेमाटोग्राफी आलिया भट्ट सब सारे कैरेक्टराइजेशन सब कुछ बहुत सुंदर है। हमारे ख्याल से पर्टिकुलरली मल्टीप्लेक्स जनरेशन के लिए तो धमाल मचाएगी ही, और चूंकि ये एक्टर्स बहुत वेल नोन है तो बाकी के भी जो सिंगल स्क्रीन थिएटर ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं वहाँ भी हमारे ख्याल से लोगों को पसंद आनी चाहिए, और चूंकि ये निचले तबके से ऊपर उठते हुए इंसान की कहानी है तो सबको इंस्पायर प्रेरणा देनी चाहिए ये, आज पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है, तो बढ़िया फिल्म है। सर, मूवी में रैप्स कैसे लगे? क्योंकि बहुत सारे मैं देखिए रैप सॉन्ग जो है उसके बारे में मेरी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी जो उसका जो मूल तत्व तो होता है रैप का कि साहब आपके पास कुछ कहने के लिए है तो उसको आप कह रहे हैं, आपके अंदर का जो विद्रोह है उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो उस तथ्य को उस तत्व को बहुत ही पहली बार बहुत अच्छे तरीके से उसको सामने रखा गया है। वैसे हमारे यहाँ का भी जो फोक म्यूज़िक है बेसिकली इसी तरीके का होता है कि आप ज़मीन से ही कहानियाँ उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये चूँकि एक विदेशी विधा है उसका उपयोग जो है यहाँ हो रहा है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ देशी जो हमारे यहाँ बिरहा होता है ये सारे कुछ जो है वो ज़मीन से ही कहानियाँ उठा के हमारे यहाँ जितनी भी ये गाने की कलाएँ हैं उन है अब वहाँ से प्रेरणा नहीं लेके विदेश से प्रेरणा लेके ऐसा कुछ बनाया जा रहा है तो ठीक है, प्रेरणा हर जगह से लेनी चाहिए। फाइनली कितना स्टार दोगे 5 में से?
तीन साढ़े तीन चार कुछ भी दिया जा सकता है। बढ़िया फिल्म है, देखने लायक है, एंजॉयबल है और कॉम्पिटेंटली बड़े खूबसूरती।